हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यह उत्तल दर्पण के लिए होगा। इससे पीछे हम अवतल दर्पण के लिए साबित कर चुके हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में साबित करें एफ बराबर आर बाई टू, या इसी को क्वेश्चन कर दूसरा करके पूछेगा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। नहीं, चलिए तो उत्तल दर्पण बना दिया। उत्तल दर्पण हम इसका नाम रखते एम एम डैश। यहां से कोई प्रकाश की किरण क्या हुआ, गुजरा नहीं तो गुजरेगा, तीर इस पार नहीं होगा, नहीं ना होगा, ये कहां पर कटेगा, फोकस पर कट गया ना। एक पर कट गया और ये पर ये हो गया इसका अभिलंब, यानी ए कोई प्रकाश की किरण, बिंदु बी, ये एन, ये एस, यहां पर जो है इसे क्या हो गया, अभिलंब आ गया सी पर, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स ये फोकस है, बिंदु पी है, पी से एफ की दूरी एफ, पी से सी की दूरी आर। अब देखिए यहां आपतित किरण है और आपतित किरण ये अभिलंब है, एस सी जो है ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण यानी आई कहते हैं। अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आर। अब देखिए ये दोनों बराबर होंगे कब, ये जब सम्मुख कोण होगा तो यह भी आर ही हो जाएगा और एकांतर कोण होगा तो ये आई हो जाएगा। चलिए अब ये पहले इसमें लिखेंगे ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण, और बी एन परावर्तित किरण, ए बी देखिए आपतन कोण क्या हो गया, आपतन कोण ए बी एस, कोण ए बी एस यानी हो गया कोण आई, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण एस बी एन, कोण एस बी एन बराबर कोण आर, ये हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि एम एम डैश कोई उत्तल लेंस है जिससे एक कोई प्रकाश की किरण बिंदु, एक कोई प्रकाश की किरण बिंदु बी पर आपतित होती है, आपतित होती है और एन की ओर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होती
है SC अभिलंब है। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण तो आपतित किरण अभिलंब के बीच है, तो कोण ABS बराबर कोण I, और परावर्तन कोण SBN, कोण SBN बराबर कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण अब हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है? कोण ABS बराबर कोण SBN यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण I बराबर R। तथा आप देखिए कोण ABS बराबर कोण BCF यानी कोण I बराबर कोण I, ये भी I। क्यों? एकांतर में करिए, अगर ये किरण को यहां पर दर्शाया जाए, बढ़ाया जाए, तो यह जो है एक्स एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा, और यह SC जो है एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा। तो यानी जब दो की किरण है इसको समान प्रतिच्छेद करेगा, तो यह दोनों एकांतर कोण होने के कारण यह जो है आई, तो यह भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अर्थात यहां पर लिख देंगे एकांतर होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण। अब देखिए तथा कोण, देखिए SBN बराबर कोण FBC कोण R बराबर कोण R, ये भी देखिए सम्मुख होने के कारण, जब दो रेखा तीसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, सम्मुख कोण हो गया। यहां पर ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण। यहां पर लिखना पड़ेगा सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख कोण होने के कारण। तब देखेंगे कोण, देखिए कोण BCF बराबर कोण CBF यानी कोण I बराबर कोण R, प्रकाश के परावर्तन के नियम की क्या कर रहा है? पुष्टि करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम की पुष्टि कर रहा है। तो लिखेंगे कोण BCF और कोण CBF समद्विबाहु त्रिभुज BCF का निर्माण करता है। BCF का निर्माण करता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा? यहां पर लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज BCF में। तो समद्विबाहु त्रिभुज BCF में इसका दो कोण क्या होगा? दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो BF बराबर FC, भुजा BF बराबर FC, भुजा BF और FC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा यदि बिंदु BP पर हो, बिंदु BP पर हो, तो क्या हो जाएगा? PF बराबर FC। ये हो गया यहां, तो ये हो जाएगा PF बराबर FC। तब ये भी वही बात, ए वो पांच, ए वो पंद्रह, अगर दोनों बराबर है तो PC का आधा हो जाएगा ना। ए भी 5, ए भी 20, दोनों बराबर, ये क्या लिख सकते हैं इसको? PF बराबर PC/2। तब PF का मान क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए P से F, PF बराबर कितना? F। अब PC बराबर कितना? PC बराबर R, यही है ना। तो यहाँ पर PC के जगह पर क्या कर देंगे? F, और PC के जगह पर R/2, F बराबर R/2, और R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। सिद्ध हो गया ना चुटकी में, बस देख लिए ना, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में
दर्पण में और फोकस दूरी के बीच रिलेशन को हम कंप्लीट कर दिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम ये कंप्लीट करना चाहते हैं। आप इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए ताकि कम से कम 1K में ये चैनल चला जाए। धन्यवाद, रखते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें।